हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ऑटो पैशन इंडिया। आज मैं आया हूँ हुंडई के शोरूम और आज इनकी न्यू ऑफरिंग लॉन्च हो गई है, एक्स्टर शोरूम्स में आ गई है। ये काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स ऑलरेडी शोरूम ये कर चुका है। चलिए गाड़ी देखते हैं गाइज। ये है हुंडई एक्स्टर, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये खाकी कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप इसकी लाइट देख सकते हो फ्रंट में, एच शेप में डीआरएल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चलिए इसका वॉक राउंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हुंडई एक्स्टर के एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। फ्रंट में आप ये पैरामेट्रिक सॉलिड डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी भी। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बैजिंग है ये। लोग पहले इसको बाहर से करा लेते थे आफ्टर मार्केट, लेकिन अब कंपनी खुद ही करके दे रही है ऐसी बैजिंग्स। यहाँ पे आप हुंडई का लोगो देख सकते हो, ये भी सिल्वर फिनिश में है मैट में। नीचे आपको लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। इधर आप इसका LED DRLs देख सकते हो, एच शेप में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी के पीछे आपको हाइलोजन बल्ब मिल जाता है इंडिकेटर में। अभी लाइट से ओपन करूँगा, आप देख लोगे। नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। इसके चारों तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको ये फिन्स मिल जाते हैं, ये मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। लाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, कोई भी इसमें फॉग लैम्प नहीं आता। इस तरफ भी बिल्कुल सेम सेटअप है, आप देख लो। नीचे आप ब्लैक्ड आउट में देख सकते हो दिया गया है। और फ्रंट में आपको स्किड प्लेट दी गई है सिल्वर कलर की। और ये जो आप स्क्रूज डिज़ाइन देख रहे हो, इसे डिज़ाइन एलिमेंट है, ये ओरिजिनल स्क्रूज नहीं है। काफ़ी अच्छा इसको रगड़ लुक देने के लिए दिया गया है। ये रेडिएटर ग्रिल आप देख लीजिए, मैट ब्लैक में दी गई है। चलिए साइड में चलते हैं। इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 15 इंच के इसके टॉप मॉडल्स में एलॉयज मिलते हैं, और छोटे में लोअर एंड्स में इसमें आपको 14 इंच मिल जाता है। टायर साइज एक बार देख लेते हैं, 175/65 R15, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। इधर आप क्लैडिंग देख सकते हो साइड में ब्लैक में, ये गाड़ी के चारों तरफ गई है इसको मस्कुलर लुक देने के लिए। इधर आप देख सकते हो फ्लैट है। यहाँ फ्रंट में आपको जस्ट टायर के ऊपर थोड़ा सा हम्प मिल जाता है, जो इसके करेक्टर को थोड़ा SUV लुक देता है। इस तरफ भी आप देख लो सेम चीज़ की गई है, थोड़ा सा यहाँ से बम दिया गया है ताकि थोड़ा इसको SUV करेक्टर मिले। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं चारों। ये फ्यूल कैप है, 37 लीटर्स का इसमें पेट्रोल टैंक आता है। ये आप डुअल कलर देख रहे हो, खाकी साथ ब्लैक। ये आपका पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। रूफ रेल ऊपर आप रूफ पे स्ट्रिप्स भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी और स्पोर्टी लग रही हैं। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है और पियानो ब्लैक फिनिश में शार्पन एंटीना। इस तरफ देख लीजिए बैक में, ये जो स्पॉइलर है ये भी काफ़ी स्पोर्टी है, ब्लैक्ड आउट किया गया है। ये सब एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इसको स्पोर्टीनेस देने के लिए दिए गए हैं। पीछे आप देख लीजिए हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है, वाइपर, हुंडई का लोको। ये आप सेम देख रहे हो पैरामेट्रिक डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यही सेम इधर साइड में भी कंटिन्यू हुआ था, आपको बता रहा था। एक्स्टर की बैचिंग मिल जाती है, SX की बैचिंग मिल जाती है। ये टॉप स्पेक वेरिएंट है इसका। पीछे भी आपको बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है ब्लैक के साथ। ये काफ़ी रगेड फिनिश दिया गया है इस ब्लैक को, और सेम इस सिल्वर स्किड प्लेट को आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा और स्पोर्टीनेस ये प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर देख लीजिए दोनों तरफ। यहाँ पर भी आप जो स्क्रू का डिज़ाइन देख रहे हो, सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है, स्क्रूज नहीं है ओरिजिनल। यहाँ पे आपको एक दो दो ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं रेयर में। चलिए एक बार बूट ओपन करते हैं। 391 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है। ये वेन्यू से ज़्यादा है दोस्तों, उसमें 350 के आसपास की बूट स्पेस आती है। अंदर आपको बूट लैंप मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैट्स पड़ी हुई हैं गाड़ी की। अंदर आपको टूल किट मिल जाती है, और टायर प्रोफाइल है 165/70 R14, एक साइज छोटा है। इसमें आपको JK का टायर मिलते हैं बाहर, और ये अंदर आपको स्पेयर व्हील अपोलो का मिलता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेयर व्हील मिल जाता है, नीसली फिनिश की गई है गाड़ी, आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख लो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया कवर अप करने के लिए। चलिए क्लोज कर देते हैं इसको। इस तरफ से एक बार आप प्रोफाइल देख लो, सेम मिलती है आपको, काफ़ी बड़ी क्लैडिंग्स मिलती हैं टायर्स के ऊपर इसको एसयूवी लुक देने के लिए। चलिए रेयर सीट देख लेते हैं एक बार, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे दिख रही है और रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है। पीछे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और आई थिंक इसमें फैब्रिक दिया गया है ग्रे के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइसोफिक्स का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। डोर ट्रिम देख लेते हैं, फुल ब्लैक्ड आउट किया गया है, कोई और कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे आप ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पावर विंडो का बटन, स्पीकर और 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज। चलिए अंदर बैठते हैं। इस तरफ आप देख लीजिए नी रूम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सीट ये वाली ड्राइवर एंड वाली काफ़ी पीछे है, यहाँ पे पीछे आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलती। नीचे फुट रूम देख लीजिए काफ़ी डीप जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ आप देख लीजिए आराम से मेरे ख्याल से 2 लोग बैठ जाएंगे, यहाँ बीच में हम्प देख लो कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी छोटा हम्प है। नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। सेंटर में आपको यहाँ पे एक रीडिंग लैंप मिल जाता है। एक बार आप फ्रंट डैशबोर्ड देख लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है फुल ब्लैक्ड आउट में। अभी आगे चल के बात करेंगे, डोर क्लोज कर लेते हैं। अब मैं इस साइड आ गया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को राइट से लेफ्ट में जंप करने में। यहाँ पे भी आप नी रूम देख सकते हो, सीट काफ़ी पीछे है और नीचे फुट रूम भी। 5'8" मेरी हाइट है तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। हेडरूम आप देख लो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें अगर 6 फिट का भी बंदा बैठता है तो। पीछे आप देख लो एक बार, रुक पीछे आप देख लो एक बार लुक, यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता सेंटर में। चलिए बाहर आते हैं। इस तरफ का भी डोर ट्रिम बिल्कुल सेम लग रहा है, फुल ब्लैक्ड आउट किया गया है, कोई भी चेंज नहीं है, काफ़ी वाइड ओपन होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अंदर निकलना और घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप देख लीजिए फुल ब्लैक्ड आउट, फ्रंट का भी काफ़ी ज़्यादा वाइड, ऑलमोस्ट 90 डिग्री ये ओपन हो रहा है। सेम चीज़ें दी हैं जैसे पीछे देखे दोनों डोर्स दिए। जब फ्रंट में आप देख लेते हैं, पैसेंजर साइड की सीट को आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में लेदर दिया हुआ है, बीच में फैब्रिक दिया हुआ है, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और ग्रे में इसकी पाइपिंग की हुई है, वाइट स्टिचिंग की है। यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है गाड़ी की। चलिए आगे बैठ जाते हैं। ये आप पैटर्न देख रहे हो, ये सेम पैटर्न जो है यहाँ इधर डोर्स पे भी किया गया है तो काफ़ी अच्छी सिमेट्री लग रही है। नीचे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, एलिमिनेशन के साथ ही होगा, अभी इग्निशन ऑन करेंगे देख लेंगे। आपको फुल ब्लैक्ड आउट में डैशबोर्ड मिलता है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, एसी वेंट्स के चारों तरफ। यहाँ पे आपको आई थिंक ऑफ वाइट दिया गया है, ये जो सर्किल है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके वेंट्स। यहाँ को 8 इंच टच स्क्रीन मिल जाता है इसमें, सेटअप सीक ट्रैक मैप नेविगेशन रेडियो मीडिया सब मिल जाता है। पावर को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको ट्यून करने के लिए भी मिल जाता है यहाँ से। यहाँ पे आपको फ्रंट में 4 AC वेंट मिल जाते हैं, उस तरफ भी आपको राउंड शेप में ही मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, अभी उधर चलेंगे देख लेंगे। ऑटो AC इसमें मिल जाता है, यहाँ से रेयर डिफॉगर है एंड फ्रंट डिफॉगर ऑफ, ऑटो AC। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बॉडी कलर है उसी से मैचिंग करने की कोशिश की गई है, ऑफ वाइट बोलिए या हल्का सा ग्रीन टोन है इसमें। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड ये इसको प्लग इन करते हैं, आप इसको लगा भी सकते हो निकाल भी सकते हो। और इसमें आपको एक USB पॉइंट मिल जाता है, इसके अंदर एक यहाँ पे USB पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पे Type-C का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं 2, छोटा सा स्पेस, हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ये लेदर रैप्ड आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है, 5+1 रिवर्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिश लग रही है और फील भी काफ़ी अच्छी है इसकी।
यहाँ पे IRBM आप देख लीजिए, आई थिंक मैनुअल दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे डैश कैम भी कंपनी साथ में देती है टॉप एंड मॉडल में। सनरूफ आप देख लो, कार के साइज के हिसाब से डिसेंट साइज है ये। अभी ऑन करके आपको दिखाऊंगा। इधर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, इस तरफ आप देख लीजिए टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्रंट में दो लैंप्स मिल जाते हैं, और ये बटन आपका सनरूफ के लिए। चलिए ड्राइवर एंड पे चलते हैं। ORBMs आप देख लो, इसमें ब्लैक आउट दिए गए हैं क्योंकि ये डुअल टोन का टॉप एंड वेरिएंट है SX। इसी के में इंडिकेटर आपको दिए गए हैं, ये फोल्डेबल और एडजस्टेबल है अंदर से। यहाँ पे एक आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है की इंसर्ट करने की जगह। इसकी की देख लेते हैं एक बार, ये इसकी की है जैसे हुंडई हमेशा देता है। दो स्मार्ट कीज मिलती हैं कीलेस एंट्री के साथ। फ्रंट में इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन है। चलिए इस तरफ का डोर ट्रिम देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम है, काफ़ी वाइड ओपन होता है, फुल ब्लैक आउट है। एक्स्ट्रा में सिर्फ आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाता है, पावर विंडो का किल स्विच मिल जाती है, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और अपने ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अंदर घुसते ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का, और व्यू करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी खुल के देखेंगे, और इसमें यहाँ से आप लेवल कर सकते हो हेडलाइट्स को। ये मैं आपसे कह रहा था काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ड्राइवर साइड की सीट को आप मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नीचे आपको यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर आपको डेड पेडल मिल जाता है, फिर क्लच ब्रेक एंड एक्सलेटर। यहाँ से इंजन बे ओपन होता है, अभी बाहर आएंगे तब आपको दिखाता हूँ। चलिए डोर बंद कर लेते हैं, देखते हैं टिल्ट है इसमें एंड टेलीस्कोपिक है कि नहीं। आई थिंक टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें, सिर्फ टिल्ट का ही ऑप्शन दिया गया। फिर से ट्राई कर लेते हैं, नहीं सिर्फ इसमें टिल्ट ही दिया गया। आप देख सकते हो हुंडई का लोगो बीच में, मेटल सिल्वर कलर में फिनिश किया गया। एयरबैग इसमें 6 मिलते हैं स्टैंडर्ड बेस वर्जन से, एक ड्राइवर एक पैसेंजर। आपको दोनों बी पिलर्स पे और दोनों फ्रंट सीट्स पे मिल जाता है। आपको फ्रंट में दो सीट बेल्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इधर से आप वॉइस कमांड देख सकते हो, और मोड प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए, कॉल पिक एंड ड्रॉप। इधर आपका क्रूज कंट्रोल के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सेट रीसेट कर सकते हैं। इस तरफ का लीवर आपका वाइपर एंड वॉशर के लिए दिया गया है, और इस तरफ का लाइट्स एंड इंडिकेटर के लिए। चलिए एक बार इग्निशन ऑन करते हैं। आप देख रहे हो फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल दिया गया है। यहाँ आपको टोटल यहाँ पे किलोमीटर्स आ जाते हैं, क्या स्पीड पे चल रहे हो। इधर आपका RPM मीटर आ जाता है, बीच में छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे सीट बेल्ट का रिमाइंडर दिया गया है, बैटरी कितने परसेंटेज पे है वो बताता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिया गया है, और इधर आपको इंजन टेम्परेचर गेज। इधर आप देख लो सब एलिमिनेट कर गया। वापस हम पहले होम पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे हो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैप्स आप देख रहे हो इनबिल्ड है। नेविगेशन यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिलना चाहिए। एक बार होम पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे हो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ ऑडियो, USB म्यूजिक, USB वीडियो, साउंड ऑफ नेचर, AM/FM। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर आपको हजार लाइट का बटन मिल जाता है। चलिए एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। आपको सनरूफ एक बार खोल के दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो थोड़ा सा और ओपन हो सकता है मेरे ख्याल से। जी हाँ यही मैक्सिमम साइज है इसके ओपनिंग का। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं इसी बटन से फॉरवर्ड पुश करके।
इसको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। अभी ओपन कर देते हैं, अच्छी लग रही है। अगर आपको लाइट्स दिखा दूं, पहले टेल लाइट देख लेते हैं। आप देख रहे हो एच शेप में एलईडी टेल लाइट, ये आपका इंडिकेटर है। इधर आपको रिवर्स साइड मिल जाता है, सेम इधर भी है। इधर आपको लाइसेंस नंबर प्लेट के लिए दो लाइट्स मिल जाती हैं, रिवर्स कैमरा। इधर आप ORVMs पे देख लो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट में देख लीजिए इसके DRLs एच शेप में, और अंदर आप इंडिकेटर लाइट देख सकते हो, लेकिन वो हैलोजन में दी गई है। इसके हेडलैम्प्स देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता। चलिए गाड़ी बंद करते हैं, एक बार आपको हुड खोल के दिखा देता हूँ। आपने सुना इंजन कितना साइलेंट था, एक बार हुड देख लीजिए। 1.2 लीटर का कप्पा इंजन है, इसका मैक्सिमम पावर 83 PS है और मैक्सिमम टॉर्क इसका 113.8 न्यूटन मीटर का है। सो काफ़ी और क्लीन सेटअप हो सकता था अगर अच्छे से और थोड़ा बड़ा कवर दिया गया होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया, काफ़ी रिलायबल इंजन है ये हुंडई का। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। हुंडई एक्स्टर के अगर डायमेंशन की बात करो तो लेंथ है 3815 mm की और विड्थ है 1710 mm की, हाइट है 1631 mm की और व्हील बेस है 2450 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 185 mm है, ऑलमोस्ट क्रेटा जितना, और बूट स्पेस इसमें आपको 391 लीटर की मिल जाती है, जो वेन्यू से ज़्यादा है, वेन्यू में 350 के आसपास मिलती है। इसमें पेट्रोल और CNG का भी ऑप्शन आता है हुंडई एक्स्टर में, तो आप वो ऑप्शन भी पे भी जा सकते हो। उसके जो इंजन का पावर है, सेम इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर का, और मैक्सिमम पावर CNG प्लस पेट्रोल का है आप 69 PS का, और उसका मैक्सिमम टॉर्क है 95.2 Nm का। इसके दोनों फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और रेयर में ड्रम ब्रेक्स। हुंडई एक्स्टर के अगर एक्सशोरूम प्राइस की बात करूं, ये आपका SX ऑप्शनल मॉडल है, कनेक्ट में डुअल टोन आता है, मैनुअल का टॉप स्पेक मॉडल है डुअल टोन में। इसका एक्सशोरूम प्राइस है 9,41,990 रुपीज़ और एक्सशोरूम प्राइस इसका आता है 10,76,800 रुपये। और जो बेस वर्जन है इसका EX वो शुरू होता है 6 लाख रुपये से, और मैनुअल का टॉप आपके सामने खड़ा है 9,41,990 रुपीज़ का। इसमें ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है S वेरिएंट से, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7,96,980 रुपीज़ से और जाती है 10,09,990 रुपये तक। इसमें CNG जो वेरिएंट है वो S और SX में आता है, उसका प्राइस शुरू होता है 8,23,990 रुपीज़ से और SX जाता है 8,96,990 रुपीज़ तक। फ्रेंड्स हुंडई एक्स्टर के अगर राइवल्स की बात करें तो सबसे टफ कॉम्पिटिशन इसको टाटा पंच से मिलेगा, लेकिन उसके मुकाबले इसका लुक ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्रीमियम लुक में आई है ये, और इसके प्रीमियम फीचर्स भी हैं, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका, और कंपनी इसका क्लेम 1.5 का एवरेज कर रही है, लेकिन 14 से 15 के आसपास ये दे देगी, तो फ्यूल इकोनॉमी भी आपको मिल जाती है अच्छी। सो फ्रेंड्स आज की गाड़ी आपको कैसी लगी हुंडई एक्स्टर, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका ओपिनियन मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका बजट 9,32,000 रुपये होता तो आप क्या इस SX ऑप्शनल डुअल टोन को प्रेफर करते या कोई और गाड़ी इसके अलावा? 6 लाख रुपये के आसपास से इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू हो जाती है बेस वर्जन की, ये भी मुझे बताइएगा कि इस प्राइस पे आपको ये कैसी लगी। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छी गाड़ी आपके लिए लाता रहूं। मुझे काफ़ी बूस्ट मिलता है आपके कमेंट से और आपके ओपिनियन से, तो डेफिनेटली वो ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा हुंडई की कौन सी गाड़ी आप देखना चाहते हो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं SAS हुंडई को, जो स्टेशन रोड लखनऊ पे है। तो आने से पहले आपको ज़रूर कॉल करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और एड्रेस डाल दूँगा। मिलते हैं जल्दी, बाय।